साथियों, इनका अहंकार कल भोपाल में भी दिखा है। जब देश लोकतंत्र का पर्व मना रहा है, अपने प्रतिनिधि चुन रहा है, मैं खुद अहमदाबाद गया था वोट डालने के लिए, देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वोट डालने के लिए कतार में खड़े थे, और दिग्गी राजा उनको न लोकतंत्र की चिंता थी, न नागरिकों के कर्तव्य की चिंता थी, न मतदाता की जिम्मेवारी की चिंता थी। उनको तो कैसे भी करके अरे दौड़ो, वोट डालो, मुझे बचाओ। ये नर्मदा परिक्रमा भी मुझे बचा नहीं पाई, अब भोपाल वालों बचा लो वरना मेरी तो नौकरी चली जाएगी, रो रहे थे कर। और इसलिए वोट डालने की जरूरत भी नहीं मानी। लोकतंत्र में पसंद हो नापसंद हो सकती है, आपकी यहां के मुख्यमंत्री से खींचातान हो सकती है। देखिए राजा, संभव है कि आपको वहां का उम्मीदवार पसंद ना हो, वो आपका घर का झगड़ा है। अरे अंदर जाना था, उंगली दबाए बिना वापिस आना था, लेकिन इतना तो कर देना था। आपका उनसे झगड़ा है, आपकी अंदरूनी लड़ाई है, इस प्रकार से खुली कर दिया आपने, आप वोट का बहिष्कार कर दिया उनका, ऐसा क्या झगड़ा है आपका? अरे दिखी राजा, इतना क्यों डर गए? और आप तो जाकिर नाइक से भी नहीं डरते हो, फिर आपको अपने ही क्षेत्र के लोगों से डर क्यों लगा?